एडवांस पेस्ट मेथड्स। देखिए नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं तो सबसे पहले पेस्ट करने के लिए क्या किस चीज की जरूरत होती है? कॉपी पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के लिए सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है? टूथब्रश के अलावा कॉपी करने, पहले कॉपी करेंगे। हाँ कॉपी करने, ठीक है जी। वैसे तो पेस्ट हम टूथब्रश लेके भी कर लेते हैं, बट इसके पेस्ट अलग होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे डेटा की थोड़ी सी मैंने वेरिएशन रखी है। यहाँ पे मेरे पास डेट है, इधर देखेंगे अपने पास नेम है, एंड यहाँ पे हमारे पास सेल्स है, ठीक है जी। सेल्स आप यहाँ पे भी साथ में ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है। रैंक बिटवीन का फॉर्मूला मोस्टली यूज करता हूँ 10 से 90 के बीच की रैंडम वैल्यूज के लिए। मान लीजिए अगर मैं डेटा लिखने बैठूँ तो अपना मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट्स यूज करता हूँ, ठीक है। ये कैसे काम करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी बताऊंगा कि शॉर्टकट्स कैसे लगाए जाते हैं, शॉर्टकट एंड कस्टमाइजेशन। तो हम बात कर रहे हैं कि मैंने कुछ डेटा बनाया हुआ है जहाँ पे मेरे पास कुछ फॉर्मूले भी हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम एक तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। एक हमने किया नॉर्मल कॉपी पेस्ट, पेस्ट स्पेशल में कुछ हमारे पास स्पेशल फीचर्स होते हैं, इसको देखते हैं। राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे। ऑल का मतलब होता है जो नॉर्मल कंट्रोल सी कंट्रोल भी होता है, नॉर्मल कॉपी पेस्ट, ठीक है जी, सब कुछ पेस्ट होता है। दूसरा इसमें होता है फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला पे फोकस्ड होता है। तो यहां जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे फॉर्मूला है, और आप यहाँ पे भी देखेंगे तो यही फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला पे फोकस देता है, बाकी चीजें नहीं पेस्ट करता। बट इसमें आप देख रहे हैं कि एक चीज गड़बड़ हुई है, फॉर्मूला तो पेस्ट की है पर यहाँ पे जो ये डेसिमल फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे लॉस्ट हो गई है। जैसे डबल डेसिमल में था वो यहाँ पे नहीं है। डेट का देखेंगे तो डेट की जगह कुछ नंबर दिखा रहा है, पहले मैं नंबर फॉर्मेटिंग हाँ जी, सेल्स के अंदर जो नंबर्स हैं वो भी अलग है। वो अलग इसलिए है क्योंकि ये फॉर्मूला जो है हर रिफ्रेश के बाद नंबर चेंज कर देता है, ठीक है जी। ओके सर, ये जैसे ही मैं कुछ भी चेंज करूंगा वर्कबुक में तो ये नंबर अपने आप चेंज होते रहे, अपने आप ही आते रहे, ठीक है। तो फॉर्मूला जनरेटेड वैल्यू, फॉर्मूला पेस्ट करने के बारे में बताया, और मैंने कहा कि यहाँ पे दो वेरिएशन आ रही है, एक डेट हमारी गड़बड़ हो गई है और एक सेल्स में जो डबल डेसिमल पोजीशन थी वो गड़बड़ हो गई। तो स्पेसिफिकली पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या होता है, ये नंबर फॉर्मेटिंग होती है। नंबर फॉर्मेटिंग क्यों होती है, क्योंकि होम टैब के अंदर हमारे पास एक नंबर ग्रुप होता है, उसमें अगर हम क्लिक राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल से भी आ सकता है, कंट्रोल वन से भी आ सकता है, ये विंडो आती है, इसमें एक नंबर टैब होता है। और इस तरह की जहाँ पे हम डेसिमल पोजीशन चेंज करते हैं, करेंसी चूज करते हैं, डेट टाइम चूज करते हैं, इस तरह की फॉर्मेटिंग को नंबर फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है जी। तो पहली चीज मैंने देखी कि नंबर फॉर्मेटिंग लॉस्ट हो रही है, तो फॉर्मूला फोकस था, फॉर्मूला तो उसे कर दिया, ठीक है। सेकेंड क्या होता है कि हमें कई बार यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करनी होती है। वैल्यू को पेस्ट करते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि वैल्यूज चेंज हो रही थी हमारे फॉर्मूला। मैं चाह रहा हूँ कि जो वैल्यू दिख रही है वो आ जानी चाहिए विदाउट फॉर्मूला, तो वो आती है पेस्ट स्पेशल के वैल्यू मेथड से। इसमें क्या करेगा ये, यहां से फॉर्मूला खत्म कर देगा, ठीक है। बेसिक ट्वेंटी था लास्ट, तो इसने 20 यहाँ बेसिक है, ठीक है। पर मैंने फॉर्मेटिंग के बारे में क्यों बताया, ये चीज गड़बड़ होती है यहाँ पे, फॉर्मूलाज एंड वैल्यूज यूज करें पेस्ट स्पेशल में तो ये दिक्कत आती है। उसका सोल्यूशन क्या है, पेस्ट स्पेशल में जाइए और इन दोनों की जगह फॉर्मूला और वैल्यूज की जगह आप ये यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे फॉर्मूला तो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, बट आपकी नंबर फॉर्मेटिंग मेंटेन रखी गई है, डबल डेसिमल पोजीशन है और यहाँ पे डेट का प्रॉपर फॉर्मेट है, ठीक है जी। एक और दिक्कत देख रहे हैं हम यहाँ पे, कि यहाँ पे डेट के कुछ हैशेस से बने हुआ है,
क्या हो रहा है कि ये डेट थोड़ी सी ज्यादा ही लंबी है, हमारे कॉलम में फिट नहीं आ रही, तो ये हैशेस की तरह दिखा रहा है। दिक्कत क्या है कि यहाँ जो कॉलम की सेटिंग है, कॉलम विड्थ की, वो यहाँ पे बहुत बड़ा डेटा कर रहे हैं, तो कॉलम विड्थ सेट करते ही हमारा टाइम गुजर जा रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या सोल्यूशन है? तो कॉलम विड्थ को भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कॉलम अगर विड्थ मैंने कम दे रखी है, मान लीजिए यहाँ छोटे कर दिए मैंने, अब मुझे कॉलम विड्थ पेस्ट करनी है, तो कॉपी कर रखा है ऑलरेडी मैंने, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ, तो कॉलम विड्थ मैं अलग से भी पेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ जितनी भी कॉलम सेटिंग है वो यहाँ अप्लाई हो जाएगी। तो इसी तरह से मैं इस पे अप्लाई कर देता हूँ, पेस्ट स्पेशल में जाके कॉलम विड्थ। ठीक है, टोटल कॉलम विड्थ आ गई, ये भी दिक्कत दूर हो गई मेरी। देन मेरे पास क्या है, पेस्ट स्पेशल क्या करता है कि नॉर्मल कॉपी पेस्ट में सब कुछ होता है, पेस्ट स्पेशल में पार्ट्स होते हैं। जैसे ऑल में सब कुछ हो गया, फिर फॉर्मूला अलग से कर दिया, वैल्यू अलग से कर दिया, फॉर्मेट अलग से कर दिए, कमेंट अलग से कर दिए, वैलिडेशन अलग से कर दिए, तो इस तरह के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इन पार्ट्स के बारे में जानेंगे। एक ऑप्शन है यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर में क्या है कि यहाँ पे जो बॉर्डर मैंने कर रखे है ब्लैक में आपको दिखा रहा है, यहाँ पे बॉर्डर सेटिंग्स नहीं अप्लाई हुई, बाकी सब है, फॉर्मूला भी है यहाँ पे, सब कुछ है, बॉर्डर अप्लाई नहीं है। तो अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ऑल यूजिंग सोर्स थीम क्या करता है कि आपको सोर्स डेटा की जो थीम अप्लाइड होती है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देता है, सब कुछ पेस्ट करता है, पेस्ट ऑल की तरह ही होता है, बट स्लाइट थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे ऑल दिया हुआ है और यहाँ पे भी सेम चीज कर रहा है, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, बट जो डिफरेंस है वो हम एक्सेल में यूज करते नहीं है। पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ थीम्स है। अब आप जानते हैं हम लोग थीम कहाँ यूज करते हैं, और पॉइंट। ठीक है जी, से डिफाइंड हमारे पास कुछ कलर्स होते हैं, कुछ फॉन्ट्स होते हैं, तो थीम्स हम वहाँ यूज करते हैं। एक्सेल में तो आपने किसी को देखा नहीं होगा थीम यूज करते, ना ही लोग करते हैं, तो जो थीम की फॉर्मेटिंग होती है वो भी कॉपी कर देता है। नॉर्मली कॉपी पेस्ट से वो फॉर्मेटिंग नहीं आती, हालांकि इसका यूज नहीं होता इसको, इसलिए ना ही ध्यान दे तो बढ़िया है। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज इसमें है फॉर्मेट्स। अब फॉर्मेट्स क्या होते हैं, एक तो मैंने बताया आपको नंबर फॉर्मेट, एक होते हैं हमारे जैसे सेल की कलर सेटिंग हो गई, फॉन्ट कलर सेटिंग हो गई, फॉन्ट स्टाइल हो गया, फॉन्ट का साइज हो गया, बोल्ड अंडरलाइन, तो इस तरह की जो फॉर्मेटिंग होती है वो फॉर्मेट ही कहलाती है, इंक्लूडिंग इस नंबर फॉर्मेटिंग। तो लेट्स सपोज कि ये मेरा जनरल फॉर्मेट में है और पेस्ट एज वैल्यूज ही मैंने किया, तो खाली नंबर सेटिंग ही नहीं पूरी फॉर्मेट से है, तो मैं कॉपी करके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगा एंड फॉर्मेट्स को जब क्लिक करके ओके करूंगा तो फॉर्मेट यहाँ अप्लाइड होंगे, वो यहाँ अप्लाई हुए। ठीक है जी, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, सेल कलर, सेल सेल दे दो, ये इसमें सब अप्लाई हो गया। दूसरी एक तो थोड़ी सी आवाज की जो डिस्टर्बेंस आ रही है, अगर शायद सिस्टम शुरू है थोड़ा सा। एक्चुअली आवाज की डिस्टर्बेंस इसलिए आती है कि हम लोग जैसे आप लोग हैं ना ट्रेनिंग में, तो आपस में आप लोगों की भी माइक खुले रहते हैं, तो मैं ये सब क्या करें ट्रेनिंग टाइम में आपने आपको आप जो ग्रीन सिग्नल दिख रहा है उससे म्यूट कर सकते हैं, तो आपस में आप लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। और जब भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है हम लोग, ठीक है जी, वो बेटर रहेगा। नितिन जी आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, जब कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चीज बताता हूँ इसमें कि जैसे आप कमेंट्स आप देख रहे हैं, मैंने कमेंट्स डाले हैं यहाँ, तो अगर मुझे ये कमेंट्स यहाँ पे पेस्ट करने हैं, मतलब या कहीं पे जगह डालने हैं दोबारा से, तो क्या करना पड़ता है? बहुत सा ट्रिक है। एक तो फॉर्मेट इंसर्ट करना ही अपने आप में बवाल, राइट क्लिक करके इंसर्ट करते हैं फिर टाइप करते हैं। ठीक है जी,
मान लीजिए कॉपी करना है ना, तो एडिट कमेंट में जाते हैं, यहाँ से कॉपी किया और फिर अगले में जाके इंसर्ट कमेंट करेंगे और फिर जाके यहाँ पेस्ट करते हैं, तो लंबा प्रोसीजर है। मान लीजिए ऐसे आपको 10-12 कमेंट दे दिए गए तो आपका तो दिन ही बीत जाएगा ये करने में, ठीक है जी। तो इसका क्या सोल्यूशन है? सिंपल यही कॉपी पेस्ट का ही सोल्यूशन है, आप बस कॉपी कर लीजिए, ठीक है जी, जहाँ कमेंट्स है राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल कीजिए और कमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपको जहां भी आप कमेंट पेस्ट करना चाह रहे हैं तो वहां आपको कमेंट आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहां देखेंगे, यहां भी कमेंट आ गया, यहां पे भी कमेंट आ गया, तो कमेंट भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक चीज हम यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन, हो सकता है आप लोगों ने इसका नाम पहले सुना हो, डेटा वैलिडेशन यूज भी करते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ एक ब्रीफ में, क्योंकि ये हमारे में एक पूरा का पूरा चैप्टर है 1 घंटे का, इसको मैं आगे कवर करूंगा अपनी फर्दर क्लास में। इसमें क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि अकॉर्डिंग ही एंट्री होनी चाहिए। सपोज यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड्रॉप डाउन आ रही है और इसमें कुछ वैल्यूज आ रही है, तो आप यहाँ से वैल्यूज चूज कर सकते हैं, बट अपनी तरफ से कुछ और डालने की कोशिश करें तो ये एरर मैसेज शो करता है, आपको एंटर नहीं करने देता, ठीक है जी। इसको कहते हैं वैलिडेशन, इस तरह की रिस्ट्रिक्शन को। मान लीजिए यही रिस्ट्रिक्शन आप कहाँ लगाना चाह रहे हैं, यहाँ इन सारी सेल पर लगाना चाह रहे हैं, तो इसको भी हम पेस्ट कर सकते हैं, पेस्ट स्पेशल में जाके वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब आप इन सेल में डायरेक्टली एंटर कोई भी चीज नहीं कर सकते, आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है जी। इसमें जो वैल्यूज हैं आप खाली उन्हीं को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वैलिडेशन पेस्ट कर दिया मैंने। अब एक और चीज देखते हैं, मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा मैंने बनाया, कोई मैनुअल पर्ची लेके या रिपोर्ट्स लेके कोई डेटा बनाया अपने पास, सबकी सेल्स का डेटा है कि इसकी इतनी सेल हुई, इसकी इतनी सेल हुई, हर एक की सेल मॉनिटर कर ली। फिर मैंने देखा मुझे कहीं से गुम पर्चियां मिल गई जो कहीं खो गई थी, और पता चला कि इसमें तो 12 और थे, इसमें 32 और थे, इसमें 41 और थे, इसमें 52 और थे। किसी बंदे को काम पे लगा दिया, उसने बगल में लिख दिया इतनी इतनी। मेरे पास टास्क ये है कि मुझे इस सेल को इसमें मर्ज करना है, मतलब प्लस करना है, ठीक है। तो हालांकि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बट अगर नॉलेज ना हो तो ये डिफिकल्ट बन सकता है, तो थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लेगा ये। तो आप क्या करेंगे, इसमें मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया इक्वल टू के बाद इसका रेफरेंस आ गया, प्लस किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपके वैल्यू आ गई, आपने इस फॉर्मूला को ड्रैग कर दिया। अब यहाँ फॉर्मूला है, आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाके पेस्ट एज वैल्यूज करेंगे, तो आपका काम हो गया, क्योंकि ब्लैंक में तो जीरो आता है, 62 में जीरो प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है जी। कुल मिला के काम हो गया हमारा। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको कॉपी पेस्ट करना ही है, कॉपी करके पेस्ट ही करना है, तो हम ये चीज पेस्ट में भी कर सकते हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिविजन के ऑपरेशन हम अपना पेस्ट स्पेशल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल पे चले जाएंगे, इस डेटा को पहले हमने कॉपी किया, फिर पेस्ट सिलेक्ट किया, देन पेस्ट स्पेशल पे चले गए। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑपरेशन का ग्रुप है, ऑपरेशन में बाय डिफॉल्ट ये नन पे ही सिलेक्ट रहता है, जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, कॉपी डेटा को सिलेक्टेड डेटा के में प्लस कर देगा। तो देख सकते हैं 64 जो है उसमें अगर 12 प्लस होगा 76 हो जाएगा, 32 प्लस होके ये हो जाएगा, इमीडिएट चेंजेस आपको दिखाएगा, आपको अलग से कोई फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं। बट अब मान लीजिए सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है कि अब आपको ऐड नहीं करना है, रिप्लेस करना है, सेम लिस्ट है, अब हमने कह दिया कि हमने गलती से वैल्यू लिख दी जबकि होनी ये चाहिए, तो अब रिप्लेस करना है। अब रिप्लेस करने के लिए क्या करेंगे, ये थोड़ा सा उससे टफ हो जाता है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इनके फॉर्मूले अच्छे हैं, फॉर्मूले लगा देंगे कि इफ अगर ये इक्वल टू ब्लैंक है तो क्या करें, ये वाली सेल ले लें, अदरवाइज ये वाली सेल ले लें। तो इस तरह से इन्होंने फॉर्मूला बना दिया और
अब देखेंगे कि इस फॉर्मूले ने भी रिप्लेसमेंट का ही काम किया, फिर कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यूज एज यूजुअल। अब आप कहेंगे कॉपी पेस्ट के मेथड में क्या दिक्कत थी, कॉपी पेस्ट करके हम करना चाहें तो क्या होता है, यहाँ जो ब्लैंक सेल है वो भी इस पे कॉपी कर दी जाती है, मतलब ब्लैंक सेल इधर आ गई, काम खराब हो गया। कोई ऐसा अगर मेथड हो कि ये ब्लैंक सेल छूट जाए यहीं के यहीं और जहाँ जो लिखा है वही खाली कॉपी हो आगे, तो अपना काम बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और स्किप ब्लैंक्स पे क्लिक कर देंगे, ठीक है जी, जिसका सीधा सा मतलब है कि ब्लैंक्स को स्किप कर देगा, बाकी वैल्यू पेस्ट कर देगा। आप देख सकते हैं कि रिप्लेसमेंट कर दी गई है इसके, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने। अब देखते हैं कि जनरल टास्क होता है कि जहां सेल्स है तो वहां टारगेट भी होते हैं, अब टारगेट है तो लोगों की अचीवमेंट परसेंटेज भी निकाली जाती है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि इनकी सेल्स हुई और इनका टारगेट ये था, अब हमें निकालनी है अचीवमेंट परसेंटेज। यहाँ पे भी आपकी फॉर्मूला नॉलेज आ जाती है कि आपने इसको क्लिक किया, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सेल्स को डिवाइड बाय टारगेट करेंगे एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100। बट हालांकि इसमें मल्टीप्लाइड बाय 100 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसा नंबर फॉर्मेट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, कौन सा, परसेंटेज का, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। इसको ड्रैग कर देंगे फॉर्मूला को तो आ गया। इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसको हम फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हर बार ड्रैग करते हुए वैल्यू चेंज होती जाती है यहाँ से, तो हमने इसमें डॉलर साइन लगा के इसको फिक्स कर दिया। तो एक ये चीज हो गई, पर इस सब करने के लिए इसके बारे में जानना तो जरूरी है ना कि डॉलर क्यों यूज करते हैं और फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं। मान लीजिए अभी आपने फॉर्मूला लगाना सीखा नहीं तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि डिवाइड ही तो करना है ना, तो पेस्ट स्पेशल में हमारे पास डिवाइड डिविजन का ऑप्शन तो है, तो कॉपी करके इसको पेस्ट कर देंगे सेल्स को इधर ही नॉर्मल, देन क्या करेंगे टारगेट को कॉपी करेंगे और इस पे डिवाइड कर देंगे। सिलेक्ट कर लिया हमने, पेस्ट स्पेशल में गए और डिवाइड का ऑप्शन चूज किया, ओके, देन परसेंटेज चूज कर दिया, काम हो गया, ठीक है। प्रैक्टिकली देखें क्या होता है कि जहां सेल्स आती है तो टारगेट भी अलग अलग ही होते हैं एम्प्लॉयज के, क्योंकि कोई एम्प्लॉय बहुत सीनियर होते हैं, कोई बहुत बड़े अहदे के होते हैं, कोई छोटे नए ज्वाइनिंग होते हैं, तो कुछ बिकता ही नहीं है, तो उनका टारगेट कम करके दिया जाता है शुरुआत। तो कहने का मतलब यह है टारगेट भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। इस केस में क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, सेम वही चीज करनी है, क्योंकि अपना पेस्ट में इस तरह का भी ऑप्शन है, आपको बस सिलेक्ट करना है इसको, फुल टारगेट को सिलेक्ट कर दिया, कॉपी किया, अचीवमेंट को पूरे को सिलेक्ट किया, देन पेस्ट स्पेशल, देन डिवाइड, सेम मेथड फॉलो करना है। अब इसमें हुआ क्या, 47 जो डिवाइड हुआ 240 से हुआ, 62 जो हुआ 181 से हुआ। इसमें शर्त क्या होती है कि यहाँ पे आपकी अगर 10 सेल है तो यहाँ पे भी 10 ही होनी चाहिए, अगर यहाँ 11 होगी तो अनयूजुअल रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है जी। तो इस केस में कर सकते हैं, जो वैल्यू है वो समानांतर होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए कि यहाँ पे हम देख लीजिए 3 दिन की सेल्स है और 3 दिन के टारगेट हैं, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट है, ठीक है। तो 3 दिन के अचीवमेंट परसेंटेज निकालनी है, क्या करेंगे टारगेट को कॉपी करेंगे और सेम वही चीज, इस तरह भी ये चल जाएगा, पेस्ट स्पेशल डिवाइड ओके एंड परसेंटेज, ठीक है जी। इसमें 203 47 से डिवाइड हुआ, 21 जो है 213 से हुआ, 37 जो है 230 से हुआ, 152 जो है इससे हुआ, तो मतलब अपने जो जिससे रिलेटेड था उसी से, ठीक है। अब यहाँ तो फॉर्मूले वाले को भी सोचना पड़ जाता है थोड़ा, बट हमारे पास कॉपी पेस्ट के इतने अच्छे मेथड है कि हमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आते हैं कि हमारी कंपनी हो गई पुरानी और इन्होंने काफी सालों से कई सेल किए, सालों का डेटा हो गया हमारे पास, अब मैनेजमेंट को चाहिए कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या कर क्या रहे हैं। अब आपने पेश कर दी रिपोर्ट कि सेल करोड़ों में हुई है इस तरह से मैनेजमेंट को, अब मैनेजमेंट कहेगी यार छोटे मोटे फिगर होते समझ आ जाते, करोड़ों के फिगर में कोई विजुअल
डिफरेंस इसमें दिखने का, कहेंगे ऐसा करो जो वैल्यू जो है वो आप डेसिमल्स में करके ले आओ, मतलब 6,50,00,000 है तो 6.5 करके ले आओ। अब फिर आप सोचेंगे कि करना क्या है, ठीक है, या तो फिर फॉर्मूला लगाए, फिर से रिपोर्ट बनाए, एक बड़ी प्रॉब्लम। तो आपने सेम वही डिवाइड ही तो करना है, हमें क्या करना होता है इसके लिए, डिवाइड करना पड़ेगा 1 करोड़ से अगर डेसिमल में करना है, तो एक जगह 1 करोड़ लिख लीजिए, उसको कॉपी कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, पेस्ट स्पेशल में जाइए, देन डिवाइड कर दीजिए, ठीक है जी, काम हो गया, कोई अलग से रिपोर्ट को मतलब खराब करने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। डेसिमल अनयूजुअल से आ रहे हैं, आगे पीछे आ रहे हैं, तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट्स भी बढ़ा सकते हैं, 3 डिजिट तक चाहिए, 2 डिजिट तक चाहिए, तो इन दोनों से टॉगल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीका का होगा। और कई बार क्या होता है कि हमने ज्यादा ही लिंकिंग कर दिया, और लिंकिंग करते करते हम हर वैल्यू फॉर्मूला से लेके आते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है सब का, देन यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है ऊपर वाले को। अब मेरा सवाल ये है कि जो हमें पॉइंट में वैल्यू चाहिए डेसिमल पॉइंट्स में, वो सिर्फ टोटल वाली चाहिए और ये नहीं चाहिए, और ऐसी चाहिए कि वो भी मतलब यहाँ पे अगर कोई चेंज हो तो यहाँ पे भी चेंजेस दिखाए, लिंक्ड वैल्यू चाहिए, मतलब फॉर्मूला यही है। तो अब हमारे पास क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जुगाड़ क्या है कि यहाँ पे डिवाइड करके मैं 1 करोड़ मैनुअली करूँ हर जगह, इससे शॉर्ट तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, पर इसके लिए भी पेस्ट स्पेशल में ऑप्शन है, आप कॉपी कीजिए, सेम चीज करिए, अपने धर्म से नहीं भटकना है, वही डिवाइड ही करते जाते, आप जैसे ही करेंगे तो आप देखेंगे कि फॉर्मूला के पीछे भी लग गया, जिस तरह से नचाना चाहे वैसे चले गए, ठीक है जी। यहां तक कर दिया हमने, तो हमारा काफी काम अब हम देख रहे हैं कि पेस्ट स्पेशल के जरिए हो सकता है, और क्या कर सकता है। अच्छा एक्सक्यूज मी, इसका, हाँ जी सर, इसका हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या आप चार्ट में यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि ये जो वैल्यूज जिस तरह मिलियंस में आ रही है, बिलियंस में आ रही है, इनको कहाँ एक्चुअली हम लोग यूज करेंगे इस चीज को, ये जो आपने डिवाइड किया जो लास्ट शीट के ऊपर किया, मतलब अगर हमारी जो वैल्यूज है बैलेंस शीट लेट्स सपोज कह लेते हैं, अगर प्रॉफिट हमारा जो है हर साल इतना आ रहा है बिलियंस में, हम लोग चार्ट बनाना चाह रहे हैं, मतलब ये कहाँ हम लोग यूज करेंगे, नॉर्मली ये किस लिए यूज होगा। देखिए कंपनी में फाइनेंशियल डाटा बनाया जाता है ना, तो उसमें वैल्यू इन लाख, वैल्यू इन करोड़ करते हैं, ठीक है जी। और सबसे पहली बात, अभी तो मैं खाली शुरुआत कर रहा हूँ एडवांस पे कॉपी पेस्ट मेथड से, आप इसको क्या करें कि ऐसे के ऐसे ही प्रैक्टिस कर ले, आगे जैसे जैसे आपका एक्सपर्टाइज लेवल बढ़ता जाएगा ना, यही चीज आप खुद से समझने लग जाएंगे कि मैं इसको कहाँ यूज करूँ, क्योंकि हर एक का वर्क एनवायरमेंट अलग अलग होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में कि हमारा काम करते वक्त कौन कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है जी। तो कॉपी पेस्ट के इस हद तक मेथड बता दूंगा कि आप कहीं भी उसमें अटकेंगे नहीं, ठीक है जी। आपके लिए सजेस्ट यही है कि जैसे जो मैं बता रहा हूँ जिन एग्जाम्पल्स के साथ, बेशक से उन्हीं एग्जाम्पल्स को एक बार फॉलो कीजिए, और जो जो भी मैं प्रोजेक्ट भी बनवाऊंगा उस प्रोजेक्ट को भी वैसे ही बना, क्योंकि अभी तो हमारी शुरुआती क्लास है, आपको थोड़ा सा आसान भी लग रहा होगा, धीरे धीरे इसका लेवल मुश्किल होता जाएगा, और एक लेवल आएगा जहां सर से पार जाएंगी सारी चीजें, तो बस उनको फॉलो करते रहिए, पकड़ के रखिए वैसे, सही है, अगर आप पकड़ के रखेंगे तो सीख जाएंगे, पकड़ के नहीं रखेंगे तो छूट जाएंगे पीछे, और दोबारा प्रैक्टिस करने में 3 महीने की क्लास है, आपको पता है साल भर लग जाता है, ठीक है, सही बात। मेरे को मतलब पढ़ाने का मौका जब ही मिल पाया कि जब मैं भी इसमें आपकी तरह ही आया था, जो राइट साल पे, तो बस मैंने पकड़ के रखा और अभी तक पकड़े रहा हूं, तब से लेकर आज तक मैंने प्रैक्टिस कभी छोड़ी नहीं, ठीक है जी। और चलिए इसमें और बताता हूँ आपको, एक ट्रांसपोज का मेथड होता है, जैसे कई बार आपको जरूरत पड़ी कि रो से कॉलम में करना है, जैसे डेट नेम सेल्स है, ये आपको ऐसे नहीं चाहिए, ये तो कॉलम्स में दी हुई है, आपको चाहिए रो में चाहिए ये डेटा, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, कॉपी करेंगे,
राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल जाएंगे, ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे, ओके, तो रो का कॉलम में बदल गया। अब कॉलम को रो में बदलना है, फिर से इसी को कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे चले जाइए, पेस्ट स्पेशल कर दीजिए, ट्रांसपोज कर, तो रो की वैल्यू कॉलम में हो जाएगी, कॉलम की वैल्यू रो में हो जाएगी, ये ट्रांसपोज का काम होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर कि जैसे लिंकिंग करते हैं हम लोग, लिंकिंग कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, इक्वल टू दबाते हैं, फिर उस एक सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन ओके, फिर इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ तक ड्रैग कर दिया, फिर यहाँ तक ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो इसमें फॉर्मेट्स नहीं आए, बाकी चीजें हम क्या करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करके करना जानते हैं, फॉर्मेट्स कर देंगे, फॉर्मेट्स यहाँ से मैंने कर दिए, और इसमें कॉलम वेट भी देखना जरूरी है, ये भी कर दिया, तो ये चीज तो फास्ट हो गई। बट एक चीज है कि इसमें जो मैंने ड्रैग किया, यहाँ तो मुझे पता था कि इसके बराबर तक मुझे ड्रैग करना है, यहाँ पे भी मैंने देख के अंदाजा लगा लिया कि तीन है, मैंने ड्रैग कर दिया, और मान लीजिए मुझे पता ही ना होता कि कितना ड्रैग करना है, ज्यादा बड़ा डेटा होता तो अंदाजा लगाना पड़ता, तो आगे की चीजों में क्या करता है, जीरो जीरो पुट करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसको आगे करेंगे तो जीरो जीरो पुट करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्योंकि ड्रैगिंग में हमें आइडिया नहीं होता ना कहाँ तक करना, या तो मैं बार बार देखू, तो इसका क्या शॉर्टकट है, कुछ ऐसा मेथड है कि डायरेक्ट पेस्टिंग हो जाए, लिंक की पेस्ट हो, तो ये भी मेथड हमारे पास अवेलेबल है। इसके अंदर आप बस कॉपी करेंगे जितना डेटा आपको लिंक करना है, और जाके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट लिंक का बटन है, इसको क्लिक करना है, तो आपका एज अ लिंक पेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला दिखा रहा, एज अ लिंक ये पेस्ट हो जाता है। फॉर्मेट्स कर देता हूं, यहां से कॉलम विड्थ कर दिया मैंने। ठीक है, लिंकिंग का फायदा क्या होता है कि यहां पे जब मैं चेंज करता हूं तो आपका इधर भी चेंजेस दिखाता है। अच्छा, यहाँ पेस्ट वैल्यूज हो गया इसलिए नहीं दिखा रहा, मैं क्या करता हूँ वापस से इस पे पेस्ट लिंक कर देता, तो जैसे ही मैं यहाँ चेंज करता हूँ ये चेंजेस आपको यहाँ पे भी दिखाता है। ठीक है, तो लिंकिंग का ये फायदा होता है। पर आजकल सर जमाना है डैशबोर्ड्स का, लिंकिंग वगैरह करते हैं पर डैशबोर्ड्स वगैरह और एडवांस, और डैशबोर्ड्स में क्या होता है कि आपकी जितना विजिबल एरिया है ना इसी में ही आप सारी कंपनी का डेटा मैनेजमेंट को दिखाते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारे पास जगह की कमी होती है मोस्टली, हमें यहाँ पे ही सब कुछ दिखाना, मान लीजिए ये डाटा मुझे इतने में दिखाना है, कैसे दिखाऊंगा, एक प्रॉब्लम आ गई मेरे पास। अब प्रॉब्लम क्यों आ गई, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक्सेल में मैं जब भी रो कॉलम हिलाता हूँ तो उसके नीचे वाला भी हिलता है, तो मेरा जो फॉर्मेट है वो डिस्टर्ब होता है, तो करना मैंने ऐसे ही है, इतनी जगह बची है और इसमें यही डाटा बचा है दिखाने को, तो ये दिखाना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, और इस बार हम पेस्ट स्पेशल में नहीं जाएंगे, यहाँ होम टैब में ये जो पेस्ट का बटन है नीचे एरो है, यहाँ पे भी पेस्ट स्पेशल है, आपका काफी सारे ऑप्शन बाहर ही दिए हुए हैं, तो क्या करेंगे, एज पिक्चर है, एज पिक्चर में चले जाएंगे, तीन ऑप्शन अवेलेबल है, आप चूज कर लेंगे पेस्ट एज पिक्चर। अब पिक्चर में अगर जनरली बात करें तो पिक्चर क्या होती है, वो छोटी बड़ी हो जाती है, काम तो करेगा ये, और मान लीजिए आपने ग्रिड लाइन भी ऑफ कर दी तो नहीं पता पड़ेगा कि हाँ भाई ये डेटा है कि पिक्चर है क्या है। पर प्रैक्टिकली बात करें तो डैशबोर्ड्स वगैरह में इसका क्या यूज है, ठीक है जी, वहां तो लाइव अपडेशन चाहिए होती है, लिंकिंग का मेथड होता है सारा, लाइव अपडेट दिखाता है, और हमने यहाँ चेंज कर दिया तो यहाँ चेंज भी नहीं कर रहा है क्योंकि ये तो पिक्चर है। अब क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन तो हम ऐसे दे सकते हैं पर पिक्चर का क्या करें, डैशबोर्ड देखें, तो इसका भी सोल्यूशन इधर ही अवेलेबल है। आप कंट्रोल मतलब कॉपी कीजिए इसको, वापस चले जाइए अपने उसी एज पिक्चर के ऑप्शन पे, और सबसे लास्ट वाला चूज कर दीजिए पेस्ट पिक्चर। और पिक्चर होने के नाते ये बड़ा छोटा हो सकता है,
ठीक है, बड़ा छोटा हो सकता है, और सबसे बड़ी बात ये लिंक है, जो भी चेंज होता है इमीडिएट दिखाता है आपको, ठीक है। इनफैक्ट कि अगर इसमें आप कोई कलर भी चेंज कर रहे हैं तो कलर भी आपको यहाँ दिखाता है, ठीक है। इस तरह की पिक्चर आपने भी मुश्किल देखी होगी, ठीक है। ये लिंक पिक्चर है जिसका हम अच्छा खासा यूज करते हैं अपने डैशबोर्ड में। आगे डैशबोर्ड्स के क्लासेस होंगी तो उसमें मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा डैशबोर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो सर ये थी मेरी क्लास आज की पेस्ट स्पेशल के बारे में, एडवांस पेस्टिंग मेथड के बारे में, जो आपके डेली लाइफ डेली रूटीन वर्किंग में आपके काम आएगा। नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी वो कस्टमाइजेशन एंड शॉर्टकट्स ऑफ एक्सेल होगी, जिसमें मैं आपको शॉर्टकट्स सिखाऊंगा कि एक्सेल में शॉर्टकट कैसे यूज करने चाहिए और कैसे अपनी स्पीड को तेज बनाया जा सकता है। दूसरा, हम कुछ ऐसे मेथड यूज करेंगे कि कई बार एक्सेल में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, कई बार आपका ये ड्रैग का बटन ही गायब हो गया, ये सब कहाँ से लाया जा सकता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा कस्टमाइजेशन एंड शॉर्टकट्स के नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए मैं क्लास ओवर करता हूँ, कल आपको इसी टाइम मिलेंगे, ठीक है। किसी को कोई सवाल थी? हेलो, हाँ जी सर, आपने जो भी जैसे फॉर्मूलेस लगाने के बाद नीचे ड्रैग करा है, तो मेरे पास ऑफिस 2007 है, उसमें मैं कैसे करूंगा ये काम? उसमें तो ये ड्रैग आता नहीं है। मतलब क्या ये आपका ये नहीं आता है, ये काला बटन ही नहीं आता है? नहीं 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 नहीं, जैसे प्लस के बाद ये प्लस का साइन आ जाता है ब्लैक वाला, हाँ, तो मेरे 2007 में ऐसे नहीं आता, उसको वैसे फिल करना पड़ता है, आपके जैसे ये है ना एडिटिंग वाले ऑप्शन में जाके फिल में जाके करना पड़ता है। मतलब आपको होम टैब में जाके यहाँ से करना होता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्यों यहाँ से क्यों नहीं कर सकते? ये ब्लैक डॉट जो देख रहे हैं आप, जब इस पर जाएंगे तो ये जो आपका साइन है ये प्लस के मार्क में बदल जाएगा। मैं ऐसे करता हूँ, मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करूँ, आपको शायद समझ में आ जाए, क्योंकि मेरे में ये ऑप्शन ही नहीं आता, या तो इसकी सेटिंग्स में होगी ये चीज, अगर आप बता सके। हाँ, तो आपका सुमित जी बोल रहे? सुमित जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, मैं आपको प्रेजेंटेटर बनाता हूँ और आपकी स्क्रीन शो माय स्क्रीन कर दीजिए ताकि हम लोग आपकी स्क्रीन देख पाए। अच्छा, ये देखिए सर, अब मैं करता हूँ इसमें तो ये मेरा वो नहीं बनता है, इसमें मेरे को इसमें जाना पड़ेगा। यही चीज मैं सिखाने जा रहा हूँ कि आपका वो जो ब्लैक डॉट है ना वो नहीं आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, है ना। तो आप सीधा सीधा ऑफिस बटन पे क्लिक कीजिए, या तो मुझे 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 दे दीजिए, मैं कीबोर्ड, हाँ उस पर क्लिक, हाँ आप ले लीजिए। हाँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कीबोर्ड माउस कंट्रोल्स किए हैं, आप उसे ओके कर दीजिए, ठीक है जी। अब देखिए ऑफिस बटन पे जाएंगे, हाँ जी, एक्सेल ऑप्शंस पे जाएंगे, हाँ जी, एक्सेल ऑप्शंस खुल गए, अब हम चले जाएंगे एडवांस, हाँ जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो आपका ये थर्ड ऑप्शन है ना, ये अनचेक है, इसको चेक कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ओके कर दीजिए, तो आपका ये ब्लैक डॉट आ चुका है, ठीक है सर। अब यूज कर, थैंक यू सर, ठीक है जी। तो इसी की क्लास हमारी कल होगी, जिसमें मेरे को ऐसे ही और भी ऑप्शन बताऊंगा, यही नहीं और भी दिक्कतें आती है, तो वो उनके सॉल्यूशन में आपको कल की क्लास में बताऊंगा, ठीक है जी। ठीक है सर, ओके सर, मैं आज का सेशन स्टॉप करता हूँ।